ये देखिए सर, ये एक पंप है जो कि पूरे 7 उपयोग में आता है और पूरा ब्रास के अंदर बना हुआ है। जैसे ये नली की लंबाई अपन 100 फीट तक बड़ी लगा सकते हैं खेती में, जिसके कारण आपको खंधे पे वजन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसे कहीं पे भी दवा पानी के अंदर डाल दीजिए, कोई इस प्रकार का अपने पास में पुराना पंप वगैरह होता है उसके अंदर भी डाल देंगे तो ये चलेगा। शुरुआत में अपन एक दो पंप खाली चलाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे मेडिसिन स्प्रे के यूज में आएगा। पंप की खासियत यह है कि खींचेंगे जब चलेगा, रिटर्न दबाएंगे जब चलेगा, दोनों तरफ। इसका फर्स्ट यूज, सेकंड यूज में इसको यहाँ से आप खोल दो, खोलने के बाद में इसी नोजल को आप आगे लगाएंगे तो ये आएगा अपने वो कलर के लिए, दीवार पे डिस्टेंबर वगैरह इसमें कर सकते हैं। थर्ड यूज आता है जैसे कार वगैरह वॉश करना हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बाहर अपन 40-50 रुपए देते हैं वॉशिंग के, देने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से इसके पिन को आप पूरा ओपन कर देना, नोजल को डायरेक्ट लगा देना, उसके अंदर आएगा प्रेशर। इसमें आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी के सर्विसिंग वगैरह में भी इसका उपयोग ले सकते हैं। यही प्रेशर जाता है, जैसे बड़े पेड़ ऊंचे झाड़ वगैरह पे दवा का छिड़काव करना हो तो इसकी रेंज आती है 40 फीट ऊपर हाइट पे इस प्रकार से। या सोलर पैनल क्लीन करने में भी आप ले सकते हैं। पूरे नोजल को आप यहाँ से खोल देना, खोलने के बाद में लास्ट फंक्शन आता है, गाड़ी में से डीजल पेट्रोल तेल ट्रांसफर करना हो या कुएं में से 50 फीट से पानी तक इसमें निकाल सकते हैं। पंप पूरा ब्रास बना हुआ है पीतल में, खराब होता है बिगड़ता है कोई मैकेनिकल को नहीं दिखाना, घर पे यहाँ पे पकड़ के इसको खोल देना, अंदर से ये रॉड बाहर आ जाएगी। इसमें लगता है ये स्टोव वाइसर्स जो कि नट खोल के अपन घर पे चेंज कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई खर्चा नहीं है, पूरा ब्रास के अंदर बना हुआ है। और मात्र इसकी प्राइस जो है 750 रुपीज़ है, यहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर 150 का डिस्काउंट ले रहे हैं तो 600 रुपये में आता है। इसका सर डिलीवरी चार्ज कुछ एक्स्ट्रा आएगा ना? कुरियर चार्ज वगैरह अपने वजह से मंगाना है ऑल इंडिया एनी प्लेस, अच्छा कुरियर हो जाएगा, अच्छा लेकिन इसका जो 150 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा कुरियर चार्ज, तो कुरियर के साथ पहुंचा सकते हैं 750 रुपीज विद कुरियर। यस सर। ओके सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू।